In this section, I will explain the concept of alpha and how alpha is linked up with the concept of security market line. So, when we talk about alpha, it basically tells us about the rate of return or the active return on an investment, and it is used as a measure of performance of a fund as compared to any benchmark market index.

तो इट शुड नॉट बी अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट लाइन सो हमने डिस्कस किया था पिछले सेक्शंस में कि हमारे पास कैपिटल एलोकेशन लाइन होता है जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करता है जो भी पॉसिबल हो कोई भी इन्वेस्टर के पास कोई भी कॉम्बिनेशन कोई गिवन अमाउंट ऑफ मनी के साथ वो किन किन डिफरेंट जो आपका पोर्टफोलियो बन रहा है उसमें रिस्क फ्री एसेट्स हैं रिस्की एसेट्स हैं तो वो क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए उन सारे कॉम्बिनेशनस को लेकर जो एक लाइन बनती है उसको हम कैपिटल एलोकेशन लाइन बोलते हैं उन कैपिटल उन तमाम कैपिटल एलोकेशन लाइंस के अंदर से वो लाइन वो कैपिटल एलोकेशन लाइन जिसके ऊपर ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन बैठे हों हम उसको बोलते हैं ये कैपिटल मार्केट लाइन है नाउ कैपिटल मार्केट लाइन इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन और कैपिटल मार्केट लाइन दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं सो बिफोर आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्फा एंड इट्स लिंक विद सिक्योरिटी मार्केट लाइन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन सो कैपिटल मार्केट लाइन किसी स्पेसिफिक पोर्टफोलियो के रेट्स ऑफ रिटर्न को बताती है और सिक्योरिटी मार्केट लाइन में हम रिस्क प्रीमियम को लेते हैं वर्टिकल एक्सेस के ऊपर और रिस्क को लेते हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सेस सो इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टू कॉन्सेप्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड के जब हम कैपिटल मार्केट लाइन ले रहे हैं उसमें रिस्क का मेयर लिया जाता है सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन लेकिन जब हम सिक्योरिटी मार्केट लाइन में रिस्क को अकाउंट फॉर करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे मायर करने के लिए तो वहाँ हम बीटा को मैयर कर रहे हैं सो so, बीटा इज डिफरेंट फ्रॉम सिग्मा तो धीर धेर इज दिस डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट लाइन एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन सो इसी फर्क को मजीद वाज करने के लिए आई एम गोई टू शो यू द ग्राफ्स फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द फंक्शंस और द इक्वे सिक्योरि कैपिटल मार्केट लाइन में एज यू कैन सी दैट वी आर एक्सप्लेनिंग द इक्वे इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड और इसको हमने इक्वेट किया है रिस्क फ्री एसेट के रिटर्न से और फिर आपको पता है कि ये हमारी आ, रिस्क प्रीमियम है कि कितना एक्सेस रिटर्न आपको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट ओवरऑल दे रही है रिस्क फ्री रिटर्न से डिवाइडेड बाय सिग्मा जिसको हम शार्प रेशियो बोल रहे थे और ये आपका सिग्मा है जो कि इस पर्टिकुलर फंड के रिस्क की को इंडिकेट कर रहा है तो इफ़ वी प्लॉट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाई टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न देन वी विल बी एबल टू कम अप विद द कैपिटल मार्केट लाइन लेकिन जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है उसकी इक्वेशन को आप देख सकते हैं ये इससे थोड़ी फ़र्क है डेरिवेशन तो वहाँ से ही लिया है हमने कैप से कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल की इक्वेशन को इस्तेमाल किया कि रिलेशनशिप को लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी कि हमारे पास इधर इंटरसेप्ट नहीं है इसका मतलब है कि हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है वो हमेशा ऑरिजन से पास करेगी और बीटा उसकी स्लोप डिफाइन कर रहा है बीटा इज द रिस्क इंडिकेटर जो कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन में रिस्क के को रिप्रेजेंट करता है वेराज हम कैपिटल मार्केट लाइन में रिस्क के लिए सिग्मा को इस्तेमाल करते हैं और ये आपका एक्सेस मार्केट रिटर्न है ये एक्सेस रिटर्न ऑन द फंड है जिसकी आप बात कर रहे हैं सो so, हमारे पास सिक्योरिटी मार्केट लाइन में वर्टिकल एक्सेस के ऊपर यानी कि वाई एक्सेस के ऊपर हमने एक्सेस रिटर्न ऑन द फंड लेना है लेकिन जो हमारा कैपिटल मार्केट लाइन है वहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिया हुआ है सो दिस इज द डिफरेंस एंड अदर डिफरेंस इज कि हमारे पास इधर आपके पास इंटरसेप्ट भी है यहाँ आपको स्लोप की वैल्यू देखने को मिल रही है और इधर आप सिग्मा के फंक्शन को ले रहे हैं लेकिन राइट ओवर ईयर वी डू नॉट इंटरसेप्ट और हमारे पास स्लोप है बीटा जो कि रिस्क के को असेस कर रहा है और उसके साथ हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटेड फर्, मल्टीप्लीकेटिव फर्म टर्म है जो कि हमें रिस्क प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है नाउ इफ वी लुक एट द डायम वी कैन सी दैट ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी द कैपिटल मार्केट लाइन और यही अभी मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न को हमने लिया है वर्टिकल एक्सेस के ऊपर और सिग्मा यानी कि स्टैंडर्ड एविएशन को लिया हमने हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर एंड दिस इज हाउ वी गेट द कैपिटल मार्केट लाइन बट ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट लाइन सिक्योरिटी मार्केट लाइन में आप रिस्क प्रीमियम ले रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं ले रहे आप रिस्क प्रीमियम ले रहे हैं ऑन द वर्टिकल एक्सेस और बीटा की वैल्यूज़ लेते हैं आप हॉरिज़ॉन्टल एक्सिस के ऊपर और चूंकि इसका इंटरसेप्ट का टर्म नहीं है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट लाइन है वो हमारे ऑरिजन से पास हो रहा है अब ये वो तमाम कॉम्बिनेशनस पे मुश्तमिल बनी है सिक्योरिटी मार्केट लाइन जहाँ आपको एक सर्टन स्पेसिफिक सिस्टमेटिक रिस्क के ऊपर एक सर्टन रिस्क प्रीमियम की रिलेशनशिप देखने को मिल रही है और अभी जैसे यहाँ एक हमारे पास फ़ंड हमने रिप्रेजेंट किया है फॉर एग्जांपल जे से तो वो तमाम फंड्स या तमाम कॉम्बिनेशनस एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स जो इस लाइन से सिक्योरिटी मार्केट लाइन से नीचे पड़े हुए हैं वो सारे के सारे हमें इन एफिशेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहे हैं लेकिन अगर इसके ऊपर कोई आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा तो उसका मतलब ये है कि उससे जो आपको रिस्क प्रीमियम मिल रही है गिवन इंटरेस्ट गिवन रिस्क के ऊपर आपको जो उसके ऊपर रिस्क प्रीमियम मिल रही है दैट इज एडिशनल सो दिस इज अ गुड थिंग सो इफ नाउ इफ आई नाउ आई एम गो टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्फा सिंस यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट लाइन सिक्योरिटी मार्केट लाइन की क्या बताती है हमें और वो कैपिटल मार्केट लाइन से किस तरह से फर्क होती है या डिफरेंट होती है नाउ इफ़ यू लुक एट द वैल्यू ऑफ़ एल्फा एल्फा इज बेसिकली यूज टू असेस और डिटर्मिन कितना आपका रियलाइज रिटर्न वेरी करेगा रिक्वायर्ड रिटर्न से जो कि हम कैपेम की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं नाव ये जो अभी मैंने आपको सिक्योरिटी मार्केट लाइन की इक्वेशन शो की थी उसी के अंदर हमने क्या किया है हमने एक अल्फ़ा इंट्रोड्यूस किया है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के वास्ते नाव इसमें इसमें और पिछली वाली क्वेश्चन में फ़र्क क्या है यहाँ हमने रियलाइज रिटर्न को इंट्रोड्यूस किया है सो रियलाइज रिटर्न माइनस ये जो अभी हमने इक्वेशन की बात की थी इफ़ वी टेक इन टू अकाउंट दैट पर्टिकुलर थिंग एंड सॉल्व सॉल्व इट फॉर एल्फा दैन एल्फा गिवस यू कि आपका रियलाइज रिटर्न माइनस जो आपका ओवरऑल एक्सपेक्टेड रिटर्न थी मल्टीप्लाइड बाई इी रि ये इसका डिफरेंस क्या आएगा दैट विल गिव यू दैल्यू ऑफ एल्फ़ा सो जो भी फंड के मैनेजर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो उनका रियलाइज रिटर्न है माइनस जो एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय रिस्क को उन्होंने असेस किया होता है वो हमेशा पॉजिटिव में आए सो so, अगर वो ज़ीरो आए या वो नेगेटिव है तो इस इसमें उन उनकी कोई स्पेशल एफर्ट्स uh, नहीं देखने को मिलती मगर अगर हमारे पास अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो इस दैट इंडिकेट्स के जो जिस फंड की हम अल्फा पॉजिटिव निकाली है हमने वो फंड ओवरऑल मार्केट से ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म कर रहा है या मार्केट से ओवर परफॉर्म कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है मार्केट की ओवरऑल जनरल परफॉर्मेंस से एवरेज परफॉर्मेंस से सो so, इसी चीज़ को वजाहत करने के लिए आई एम गो टू शो यू अ डायग्राम जिसमें दिस दिस लाइन इज द एसएमएल सिक्योरिटी मार्केट लाइन और सपोज हमारे पास एक फ़ंड है जिसका नाम हमने रखा है ऐसे ही एक्सप्लेन करने के लिए एल्फ़ा फंड और वो हमने पुट किया इस see, है इस डॉट के ऊपर एंड एज यू कैन सी कि ये जो एल्फ़ा फंड है ये अपने बीटा की वैल्यू और रिस्क प्रीमियम की वैल्यू की वजह से जो कि ज़्यादा बेहतर हैं इस वजह से आपको ये एस एम एल के ऊपर वाली स्पेस में देखने को मिल रहा है इधर आपको एल्फ़ा पड़ा हुआ है जो कि एस एम एल से ऊपर है तो इफ़ द फंड फंड्स अल्फा टर्न्स आउट टू बी हायर देन एस एम एल या वो प्लेस हुआ है एस एम एल के ऊपर वाले इलाके में ऊपर वाले एरिया में तो दैट मीन्स के इट इज शोइंग के जो एल्फा फंड है वो आउट परफॉर्म करा है वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करा है मार्केट के सारे के सारे जो फंड्स हैं मार्केट में अवेलेबल उनकी परफॉर्मेंस एवरेज परफॉर्मेंस है दिस पर्टिकुलर फंड हैज आउट परफॉर्म्ड द मार्केट सो व्हेन वी लुक एट द पॉइंट अल्फा इट रिप्रेजेंट्स द अल्फा फंड एंड यू कैन सी इट इज शोइंग दैट इट इज ओवर परफॉर्मिंग द ओवर मार्केट सो वेन एवर वी नीड टू असेस डाइग्रामेटिकली हम इसको कैलकुलेट करने चाहें तो इट विल बी माइर्ड एज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एल्फ़ा एंड एस एम एल एज यू कैन सी ये जो एल्फा और एस एम एल का वर्टिकल फ़र्क होगा ये आपको एल्फ़ा की वैल्यू को कैलकुलेट करने में मदद देता है